आज हम सेकंड बुक का चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति का टॉपिक वामपंथी और दक्षिणीपंथी में अंतर करेंगे। वामपंथी विचारधारा पूरी तरह से समाजवाद से जुड़ी हुई विचारधारा है। यह विचारधारा सरकार के निर्देशक में रहकर कार्य करती है। वामपंथी विचारधारा उत्पादक के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण चाहते हैं। वामपंथी विचारधारा देश के संसाधनों पर कुछ व्यक्तियों का अधिकार ना चाहकर सबका अधिकार चाहते हैं। वामपंथी विचारधारा भूमि और उद्योगों पर सरकार के नियंत्रण चाहते हैं। अब हम दक्षिणीपंथी के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिणपंथी विचारधारा पूरी तरह से पूंजीवाद पर आधारित है। यह विचारधारा मुक्त अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। दक्षिणपंथी विचारधारा उत्पादन के मामले में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। यह विचारधारा खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देती है। यह विचारधारा मांग और पूर्ति पर आधारित है।